एक्शन। और मेरा पसंदीदा जॉनर है, मुझे पसंद भी बहुत है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हॉरर लिखा भी मैंने। हॉरर क्योंकि आतिफ भाई को करनी थी, हॉरर इसलिए क्योंकि आतिफ भाई का बड़ा कंसिस्टेंट जॉनर है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है और फिल्म जो है उनके जहन में बड़े ज़माने से थी। और उसके बाद कुछ हमारी बातें हुई तो उन्होंने कहा कि साथ आ जाओ, राइटर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है करते हैं, मज़ा आएगा। कहानी अगर बहुत सीधी बात करें तो सिंपल है उस एंगल से कि एक फैमिली है जो कि कराची छोड़कर अयूबिया शिफ्ट हुई। उस फैमिली में एक माँ है, एक बाप है और उनकी एक बेटी है परी। अयूबिया वो गए हैं और अयूबिया के नए घर में जो उस घर की अपनी हिस्ट्री है, इस फैमिली की जो अपनी कराची की हिस्ट्री है, वो कैसे जो है एक दूसरे से टकराएगी, उसके कॉन्फ्लिक्ट की कहानी। फिल्म में अजीका डैनियल है जो कि बीवी का कैरेक्टर प्ले करेंगे, ज़बरदस्त काम कर रही है। जुनेद अख्तर हैं जो कि शौहर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन काम कर रहे हैं। उसके अलावा परी का कैरेक्टर खुशी प्ले कर रही है, खुशी की लाइफ की पहली फीचर फुल लेंथ फिल्म है। उसके अलावा कबीर खान साहब हैं, बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। रशीद नाज साहब हैं, उसके अलावा सलीम महराज साहब हैं, सलीम महराज साहब तो सब बासल पाकिस्तान का नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं, आई थिंक दे आर राइट। कैरेक्टर मुझे मिला था एक नहायत ही सोबर किस्म का शख्स जो बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप में है वो, मगर उसको किसी की कोई परवाह नहीं, सिर्फ अपनी फैमिली के अलावा। जो जो कि शौहर जो कि नॉवलिस्ट है और वो जो मेरा कैरेक्टर है शहराम का, वो नॉवलिस्ट है और नॉवल लिखता है। और जो है शकील, मैंने शकील देखा, शकील जन्नत की पिक्चर निकाल रही, पिक्चर के ऊपर मार्कर से उसकी दाढ़ी बनाई और कोई ऐनक उसको बनाई और फिर देखा और फिर मैंने ऐसे को दिखाया, देखो यार लग रहा है राइटर ये हमारा कैरेक्टर, ऐसा देखा अलग तो हो रहा है ना। मैंने कॉल किया, मैंने कहा तो मैं ऑन बोल लूँ शहराम, उस पर उसने साबित किया बहुत अच्छा एक्टर, उसने भरपूर काम किया। जगह ढूंढ रहे हैं मेरी आखिरी मोहब्बत को बनाने में, वाकई मेरे साथ जो मेरे डायरेक्टर साहब थे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि मैं डांट खा रहा होता था क्योंकि मैंने इससे पहले ही कैरेक्टर किया नहीं, तो संजीदगी है इसके अंदर, तुम्हारी पर्सनैलिटी के अंदर वो इस तरह सही ना, गर्दन बिल्कुल नहीं घुमाना, ज़्यादा नहीं घुमाना, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज लेके आओ, लेकिन करो। और जब मैंने ये कैरेक्टर किया मुझे बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी इस वक्त, इशू करने वाले ने कहा इंशाल्लाह घर गया फिर एक तो उस इंसान का रहन सहन, उसके बाद उसका जो चीज़ें बार बार महसूस करना कि यार इसको क्या फीलिंग हो रही होगी, मेरी बीवी क्या सोच रही होगी, मेरी बच्ची की क्या मतलब फीलिंग्स हैं जब वो डांट खाती होगी, तो वो बाप जो है उसका कनेक्शन लेकर आना अपने चेहरे पे और अपने एक्सप्रेशंस में, वो बहुत डिफरेंट था। जुनेद इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया उसने, मैं उसके हौसले की दाद देता हूँ कि मेरे सामने खड़ा रहा, तो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको बहुत सी कामयाबी दे हमारे सब बच्चों के साथ। जुनेद जुनेद में तमाम तर वो सलाहियतें मौजूद हैं मैं समझता हूँ जो मुझ में नहीं, और उसमें जितनी भी सलाहियतें एक एक्टर को एक्टर बनने में होनी चाहिए और जो उसका शौक है, जो उसकी डिवोशन है, ये उसको एक मुख्तलिफ काम करने को मिला। इस फिल्म के करने से पहले मैं एक ड्रामा सीरियल जो कि मेरा डेब्यू था एज अ सीरियल फ्रेड, वहाँ अजीका भी थी उसमें जुनेद भी था, तो एक रात का सीन कर रहे थे हम कि जिसमें दोनों सहेलियाँ लॉन में घूम रही हैं और वो शॉल उड़ी हुई, तो वो अच्छा डीओपी मेरे साथ थे अख्तर नदीम, वो ड्रामे में भी थे और फिल्म में भी वही हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो हम दोनों जब वो सीन करने लगे तो मैं मॉनिटर बैठा हुआ एकदम, मेरे जहन में कुछ हुआ होता मैंने, और मैंने देखा तो वहाँ मुझे अपने फिल्म की हीरोइन मिली, मैंने कहा ये अजीका ये बिल्कुल से वो नहीं वो है सुटेबल है इसके लिए, इस कैरेक्टर के लिए। शकील की तो तुम पूरी एक्टिंग शुरू होगी। इट्स अ वेरी नॉन ग्लैमरस कैरेक्टर और आई एम श्योर कि अब आप पर ये सवाल होगा कि लोग तो एक ग्लैमरस फिल्म के इंतजाम करते हैं,
एक ग्लैमरस कैरेक्टर चाहिए आपको अपनी पहली फिल्म के लिए, बट आई डोंट बिलीव सो. रिक्वायरमेंट नहीं थी फिल्म की, तो फिर ग्लैमर वॉजन रिक्वायर्ड ओवर देयर. इस सवाल का जवाब देते 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 मैं थक गई हूँ. और भाई कुछ देख के मैंने इस फिल्म के इंतखाब किए, ऐसी थोड़ी कर ली है. क्या देख के? स्टोरी, कॉन्टेंट. ऑब्वियसली कॉन्टेंट आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. आपके फिल्म में क्या है, आपकी स्टोरी लाइन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, विच आई बिलीव के है. अजीका के साथ तो ऑनेस्टली वो तो मेरी टीचर बन गई थी, वहाँ पे डांटती थी मुझे. रिसर्च में उड़ी गई और मैं तुम्हें डराता हूँ. कैसे डराओगे भाव, मत करना प्लीज. लेकिन मज़े का एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले जो मैं उनके साथ कैरेक्टर करके बैठा हुआ था वो आतिफ भाई की प्रोडक्शन का एक ड्रामा था फरेब. तो उसमें उनका एक छोटा भाई बना था जिसमें मुझे काफ़ी डांटती है, काफ़ी ज़्यादा हर छोटी छोटी बातों पर आँखें दिखाती, क्या कर रहे हो तुम्हें, चलो यहाँ से. मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करना. शी इज अमेजिंग, शी इज रियली गुड. आई नदर जी गॉड कर लो, नदर जी क्या हो गया, नदर जी सर जी हो, नदर जी क्या हो गया, नदर जी क्या हो गया जी. वाह ये मुझे बड़ा लगा, वाह लगा ले 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 ना कर रहा सीरियस हो गया. पता चल सलमान बोरी में मिले हमें. सलीम मेरा सब मुझे बुलाया है हमने यहां पर. सलीम राज हमारी पहली प्रायोरिटी थी अब्दुल्ला के लिए, सलीम राज. हमने सोचा ही नहीं किसी और के लिए, हम डायरेक्ट सलीम राज पे कि ये है, ये कैरेक्टर, ये यही बंदा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता. उनको कॉल किया, जब वो आए तो उन्होंने पहला जुमला बड़ा अजीब किया. पहले तो कहने लगे आते पहले ही कहो, बताओ मुझे कहानी सुनाओ. अगर मैं कहानी में ऊँग गया तो मैं नहीं करूँगा इसमें, और अगर कहानी में इंटरेस्ट ले तो करूँगा. मैंने इसमें कहानी सुनी, आप कहानी सुनाई, वो तो हैरान पे हैरान थे. उन्होंने कहा तो मैं करूँगा ये कैरेक्टर. शूटिंग जब से शुरू हुई मजे का स्क्रिप्ट है बाकी चीज़ें भी अच्छी है. सलीम मेराज साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस सर, ही इज़ माई टीचर. मतलब मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और उनकी पहचान किसी की मोहताज तो है नहीं. तो घर से निकाल नहीं जा रहे हो, ये तुझे बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, ये रखो यहां से, इसको घर से निकाल. अच्छा आर्टिस्ट है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है ना. आपने कुछ लोग चुने हैं मेरे बगैर, सारे अच्छे चुने हैं, और इंशाल्लाह सब ने अच्छा अच्छा काम किया जिनके साथ मेरा वास्ता पड़ा. सब ठीक ही तो है. रशीद नाथ साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस मेरा एक दिन का रहा, और उस एक दिन में मैंने जो उनके साथ काम किया और सीखा, जो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं ना लोग जिंदगी में, बहुत आराम आराम से चीज़ों को बहुत पॉजिटिव लेते हैं. रशीद नाथ साहब जो है मेरे जो वालिद के बड़े मेरे वालिद फैन थे उनके, रशीद नाथ हो गए. तो आपके आइडियल आपके वालिद होते हैं, फादर आपके, वही जब बचपन से देखते हैं उनको, तो जो आपके आइडियल हैं तो, और वो फ़ैन है किसी के, उनके साथ काम करना, तो ये तो मैं कहता हूँ कि मेरी पहली फिल्म में ऐसे लोगों के साथ काम किया मैंने कि जिनके जिनको मैं सोच नहीं सकता था कि मैं काम करूँगा कभी इनके साथ. तो रशीदा हम बहुत प्यारे इंसान, और बहुत दुआएँ दी उन्होंने, और बहुत कैरेक्टर बड़ा मज़ेदार है उनका. उनका कैरेक्टर अगर सिर्फ छोटा है लेकिन वो हावी होगा पूरी फिल्म के देखने से. वो एक एक प्यारे इंसान है, एक एक सूफी, एक 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 जो होता है ना वली, जो होता है ना एक तरह से, जो जो तलकीन करता है लोगों को मोहब्बत की, वो मोहब्बत बांटने वाले थे. वो बस ये उनका कैरेक्टर है कि वो मोहब्बत बांट रहे हैं. कभी साहब का जब देखेंगे फिल्म के अंदर तो बहुत एनर्जेटिक है उनकी फील जो वो कर रहे हैं. तो उसकी जब छूट खत्म हुई तो उन्होंने बताया कि आतिफ मैं बीमार था, और मैं अगर तुम्हें पहले बताता तो तुम ये काम नहीं निकाल सकते मुझसे, मैं तुम उसमें रहते मुरावत में कहना, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया. तो ये एक बड़े ज़्यादा काम की, बड़े इंसान की, बड़े जो एक प्रोफेशनल की निशानी. ये प्रोफेसर जो है ये परी को बच्चों को पढ़ाया करता है, इसके पेरेंट्स से बहुत वो मोहब्बत करता है, और जिस दिन परी की सालगिरह होती है उस दिन वो प्रोफेसर सोचता है कि कुछ भी हो जाए मैं ज़रूर जाऊँ. कबीर खान साहब एक ऐसा इंसान जो रिहायती सादगी पसंद, डाउन टू अर्थ, बहुत ऑनेस्ट, अपने काम के साथ भी, दुनिया के साथ भी. उनके साथ काम करना हर किसी के लिए
मतलब भाई से फक्र होगा भाई साहब के साथ तो मेरी पर्सनल बॉन्डिंग होगी बियॉन्ड एक्टिंग एज एन एक्टर तो खैर जो काम वाली बात है वो तो यही कहना चाहूँगा कि जो उनकी एज है उस एज में इस वक्त जो उनका इंथुजियाज़म है जो उनका पैशन है ना एक्टिंग को लेके वो खतरनाक है अगेन इन द पॉजिटिव सेंस जुनेद और अतीका के बारे में ये कह सकता हूँ कि हमारे आने वाले वक्त की दोनों बहुत बड़ी हीरोइन और हीरो मुझी की लाइफ की पहली फीचर फुल लेंथ फिल्म है जबरदस्त जी आप हमारी वीडियो बना लें हम जो भी बात करते हैं आप आ जाते हैं वीडियो बनाने खुशी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा वो बच्ची बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम कर रही है माशाल्लाह से उसका बाप का किरदार अदा करना मेरे लिए वाकई ऐसा था कि मैं उसका आई सपोज लाइक आई एम अ फादर ऑफ और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके वो जो बच्ची है वो अपने काम से बहुत मोहब्बत करती है तो मैं आप ये भी बता दूँ यहाँ पर आपको कि सलीम राज हो रशीद ना साहब हो कवि साहब हो या जुनेद हो सब ने बहुत कॉपरेट किया है वो बताते हैं कि बजट कम है तो सब लोगों ने मिलकर बड़ा ताउन किया लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो है अजीका नाने का अजीका अगर नहीं होती तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं दो लोगों का एक अक्सर जिक्र करता हूँ कि अक्सर जब मैं बता रहा हूँ फिल्म के तहत एक तो एहसन अगर एहसन नहीं होता तो फिल्म नहीं बनती यानी क्योंकि मुझे इतना बेहतर किस्म का पार्टनर नहीं मिलता दूसरा के अजीका अजीका ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हम लोगों को हर वक्त सपोर्ट किया और आज तक अभी तक वो बहुत ज़्यादा विलिंग भी हैं हर चीज़ में वो कर लेती हैं तो मैं ये कहूँगा तो इस तरह इनको हुआ अयूबिया हम रहे 30 दिन और इस्लामाबाद रहे हम 3 दिन टोटल 35 दिन हम कराची से बाहर रहे घर ये था कि जब हम गए वहाँ पर लेके करने मैं ऐसे पूरी टीम साथ थी अदरवाइज आते तो बहुत सारे घर दिखा रहे थे तो कोई लग नहीं रहा था हमें कि कोई हाँ ठीक है ठीक है लेकिन जिस घर में दाखिल हुए अगरचे हमें जो हम लोग पूरी टीम ही चाह रही थी कि घर ऐसा हो कि जंगल के दरमियान हो लेकिन इसके पीछे का बिल्डिंग थी लेकिन ये घर दिखते रहो यार ये है हमारा सेट फिल्म का हम आसमान से बहुत करीब थे अच्छी खासी ऊँचाई पर तो आप जब शहर में होते हो तो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होता बिजली कड़कना होता होगा लेकिन इतना ज़्यादा फील नहीं होता लेकिन वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी कि आपको फील होता है बहुत धड़ 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 तो ये वाला मैंने यार क्या हो रही क्या हम लोग जिस दिन परेशान नहीं होते ना शूट पे तो हमें अजीब सा लगने लगता एक दिन शूट थी वो वाली गाने की शूट रखी थी हमने उसमें परेशानी नहीं हो रही थी हमें कुछ गाना रहता है वैसे घर का गाने की शूट थी उसमें परेशानी नहीं हो रही थी आधे घंटे बाद हमें ऐसी गाल चपड़ी ऐसी गाल चपड़ी तो हमने फैसला किया कि अब हम ऑलरेडी परेशानी रहेंगे पहले से हमेशा क्या हम अच्छा होगा तो भी हम टेंशन वाली चलते रहेंगे मेरे पास भी नहीं था आते भाई के पास भी नहीं था जो डायरेक्टर राइटर है मेन प्रोड्यूसर और उसके अलावा भी और भी कुछ लोगों के पास नहीं था जुनेद अख्तर ने अपना कमरा हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर जुबैर के साथ शेयर किया उसके अलावा एक और जो अजीका के असिस्टेंट थे उनके साथ भी अपना कमरा शेयर करते थे हालांकि ऐसे लीड एक्टर उनका बनता नहीं हो मना करते तो हमको बुरा नहीं मानते बिल्कुल हाँ बंदर एक बहुत बड़ा फैक्टर था वो बड़ा फैक्ट नहीं इसकी वजह से एक बार किचन में घुस गए थे और उन्होंने किचन में हमारा भी मेरा एक हफ्ते का राशन जो है किचन में चला गया खुल गया बंदर खुल गया अंदर उन्होंने सारा पोटी भी गिर दी सारे अंडे भी गिरा गंदा करके आए किचन हार्ट अटैक बुरी में घुस गए क्या नहीं किया जबरदस्त बेहतरीन बंदर तो बंदर और रमजान और पहाड़ ग्रेट एक्सपीरियंस इस वक्त है खानसपुर स्टेडियम के पास जंगल है वहाँ पर और हम जंगल का सीक्वेंस कर रहे हैं जिसमें क्लाइमेट भी शामिल है हमारा सली मेरा साहब सेट में मौजूद है इस वक्त टाइम हो रहा है 1:00 और ये शूट जाएगी रात गए तक इंशाल्लाह ये आए तो ज़रूर आएगा सिनेमा में तो वहाँ पर बड़ा एक अजीब सा डर था कि वहाँ पर जानवर अक्सर रात में निकल आते हैं तो हम कोई भी ऐसा जंगल का सीन भी करते थे तो भी हम सोचते थे कि यार कोई जानवर निकलना है और जब हम बारिश में थे और बारिश के अंदर जब हम देख रहे थे कि यार बाहर जाते हैं घूमने के लिए या बाहर खड़े होते हैं तो उसमें भी हमें डर था कि कोई जानवर अचानक सामने से ना आ जाए
कैमरा उठा बाहर काटा सारा तुम्हें खून लगा रहे हो सुनतवन आ जाए चीता रामेश तुमने लाल टी शर्ट ही पहनी हुई है तुम्हें दूर से देख रहा है वो क्योंकि इतना गुप्त अंधेरा होता है वहाँ पे इतना गुप्त अंधेरा कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आपके सामने वाला बंदा कौन है हाँ थोड़ा अंधेरा है ये है कि टॉर्च अगर आपके पास है मोबाइल वो लाइटर वगैरह उसकी टॉर्च जला के आप सीधा चले जाए खाइए पर ज़रा गौर से देख के जाइएगा ठीक है भाई जान बहुत ख़तरनाक एक्सपीरियंस था ख़तरनाक से लेकिन नेगेटिव नहीं ख़तरनाक से मतलब कि एडवेंचरस बहुत अच्छा बहुत ज़्यादा अच्छा था एक्सपीरियंस आतिफ भाई के साथ आतिफ भाई की टीम के साथ इनके जो साथ होते हैं एहसन मियाँ उनके साथ बहुत अच्छा रहा तो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा और मैं उम्मीद करता हूँ मैं दोबारा इनके साथ काम करूँ अख्तर भाई जिसके डी पी हैं अख्तर नदीम नाम है बहुत सीनियर है यानी जितने भी आजकल डी पी हैं वो ये सब उनको उस्ताद हैं उनके मेरे भी उस्ताद हैं और यही थे जिन्होंने 18 साल पहले मुझे कहा था तुम करोगे डायरेक्ट करो और वो वादा हमने पूरा किया साथ एक सीरियल किया हम लोगों ने फिर एक फिल्म की है ये वंडरफुल जाए और थोड़े से परेशान रहते जल्दी दूसरों का दर्द बहुत है इनके दिल में जल गया मुखलिस आदमी है दिल के बहुत साफ हैं ठीक है वो ये होता ना छोटा बच्चा होता है वो टॉफी मशीन लो तो या टॉफी दे दो तो खुश वो इस तरह के हैं वो यानी प्यारे आदमी हैं आप भी कह सकते हैं उनको तो उनके से बड़ा अच्छा रहा तो वो लेकिन वो भाई कमाल लाइट करते हैं पांडो कोलो पर लाइट के उन्होंने हर वक्त पे साथ दिया हर जगह साथ दिया जो मैंने कहा वो किया चाहे मैं लगे किया पहले मना करके किया कर दिया उन्होंने दिखाया सारी लाइटर आएंगे अब मेरे लाल तो लाइटें अलग होंगी कोई ऐसा सीन नहीं दोबारा सिर के से लाइट करनी पड़ जाए और ऐसे यानी कि बाद में तुम दोबारा हम कहोगे कैमरा यहाँ आ रहा है फिर वो लाइट सेम हुई होगी दोबारा अख्तर साहब जो थे हमारे डीओपी तो वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं उनकी बात तहे दिल से इज्जत करता हूँ लेकिन उनका सिर्फ एक फ्लॉ ये था कि वो मुझे हर बात बोलते थे ये कपड़े क्या पहने तूने क्या पहने कपड़े तूने ये नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा मुझे कोई इशू नहीं है उनकी आवाज में अख्तर भाई यहाँ लाइट करनी है हो जाएगी तो आवाज नहीं अभी कर देंगे ये फिर जब होता था फिर हो जाती थी लास्ट शॉट देखो फाइनल चलिए रेडी रोल करेंगे आप फिल्म के हवाले से आखिरी बात दो हैं एक तो ये कि फिल्म ओरिजिनल है ठीक है अब हर एक सीन ओरिजिनल है या हर एक जुमला ओरिजिनल है वो इतना तो कम से कम आप सिनेमा में आगे चेक करें ये मेरी एक रिक्वेस्ट है लोगों से तो ये है कि आप अगर फिल्म्स देखते हैं ओरिजिनल फिल्म्स देखते हैं तो हमें एक मौका ज़रूर दें और अगर आप हॉरर फिल्म्स देखते हैं तो आप हमें मौका भी दें और आकर हमारी थोड़ी तरबियत करें क्योंकि जो लोग हॉरर फिल्म ज़्यादा देखते हैं उनका तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो आए क्योंकि अगर उनको डर लगा तो पक्की बात है कि हमने कुछ वाकई एक डराने वाली फिल्म बनाई है और उनको नहीं लगा तो मैं सीखना चाहूँगा कि क्या हम गड़बड़ करें भाई जो हॉरर पसंद करते हैं वो तो हैं यानी ज़्यादातर लोगों से पूछ मैं बताता हूँ कहते नहीं यार हम तो डरते हैं अंदर ही तो इसमें वो उस तरह का डर नहीं है इसमें एक वो डर है जो कि हम ज़िंदगी में कभी ना कभी सब बरत चुके हैं वो डर मैं कहता हूँ कि इसलिए आए यहाँ पे देख लेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान में जो है ना एक फ़र्स्ट टाइम जो है ना क्या कहते हैं ये ट्राई की गई है कि लोगों को डराया जाए क्योंकि यहाँ पे जो है ना सबसे मुश्किल काम होता है कि लोगों को डराना सही से क्योंकि वो डराना और हंसाना ये बिल्कुल यूँ हो जाता है डरते वक्त कि यहाँ पे गया तो वो लोग हंसने भी लग जाएंगे हॉरर मूवीज़ में और अगर बिल्कुल यहाँ गया तो लोग डर भी जाएंगे तो ये बिल्कुल एक ढलान पर होती है ये बहुत एक मुश्किल जॉनर है ये मूवी का तो मैं कहूँगा कि ज़रूर आएँ और ताकि आगे भी लोगों को जो है ना इससे क्या कहते हैं हिम्मत मिले कि वो भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करें मुश्किल और लोगों को डराने की कोशिश करें लोगों से मेरी बस ये अपील है कि प्लीज़
पाकिस्तानी सिनेमा को रिवाइव होने दें, कोई अगर मेहनत कर रहा है तो उसकी मेहनत को सराहें, क्रिटिसिज्म पॉजिटिव ज़रूर करें, अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो उसको कम से कम अपना फीडबैक दे के उसको इम्प्रूव करवाएं, लेकिन इस तरह रिजेक्ट मत करें कि नहीं भाई हम तो सिर्फ इंडियन कॉन्टेंट देखेंगे। देखने आए देखें, पसंद आए तारीफ करें, नहीं पसंद आए तो बताएं कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो डर लगे तो बताइएगा, हमें तो बहुत डर लग रहा है। आए देखें, इट्स अ गुड एफर्ट बाय पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स, इट्स अ सीरियस कॉन्सेप्ट, इट्स अ सीरियस स्टोरी लाइन, आई थिंक आप लोगों को स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी बिकॉज इट्स डिफरेंट एंड ट्रेलर वगैरह आप लोग देख चुके हैं, बाकी अब आप लोग मूवी भी देखें एंड प्लीज़ हैव अ लुक एट व्हाट वी हैव डन फॉर यू, व्हाट वी हैव मेड फॉर यू। तो आप परी को जरूर देखिए, जरूर देखिएगा, जरूर देखिए। पैकअप दुबई कर खत्म हो गया। I don't. I didn't tell you.